मैं दिगेश सर स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल दिगेश आला पे। यह हमारे चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कंपाउंड एंट्रीज की पोस्टिंग लेजर में किस प्रकार की जाती है और ये ट्रांसफर क्या चीज होती है, ये ट्रांसफर का कंसेप्ट है क्या। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन या सॉरी टू बैलेंस कैरेड डाउन या बाय बैलेंस कैरेट डाउन की जगह आपको टू ट्रांसफर अकाउंट लिखा होगा, इस तरीके से लिखा मिला होगा, तो वो क्या चीज है वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहां पर मैंने कुछ एंट्रीज लेके रखी हुई है, यहां पर मैंने कुछ एंट्रीज ऑलरेडी लिखी हुई है, आप चाहते हैं उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी देकर रखा है, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इसकी पीडीएफ। ये कुछ क्वेश्चन है, इनकी जनरल एंट्री मैंने पहले से करके रखी है, सिंपल कंपाउंड एंट्रीज की जनरल एंट्रीज है, वो मेरे ख्याल से आप लोग को पहले से ही आती है। अगर नहीं आती है तो प्लीज जो पुरानी कंपाउंड एंट्रीज पे वीडियो है वो देख लीजिएगा, ऊपर अभी कार्ड एक फ्लैश हो रहा होगा या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप पहले वो वीडियो देख लीजिएगा किस प्रकार से कंपाउंड एंट्रीज की जाती है। तो आइए, अभी तक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब यहां पर मैंने इनके ऑलरेडी कंपाउंड एंट्रीज भी करके रखी हुई है ताकि टाइम वेस्ट बिल्कुल ना हो हमारा, ये देख लीजिए। ठीक है, मेरे ख्याल से अभी तक आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, एक और देख लेते हैं ये। ठीक, अब फटाफट मैं एक बार आपको हल्के से एक्सप्लेन कर देता हूं कि यार ये क्या था कैसा था। तो यहां सबसे पहले क्वेश्चन था कि कमेंस बिजनेस विद कैश रुपीज 500,000 एंड गुड्स रुपीज 2,000। तो इसकी एंट्री हम देख लेते हैं कि भाई बिजनेस स्टार्ट किया हम लोगों ने कैश से और गुड्स से, तो उसकी एंट्री क्या होगी। तो यहां पर देखिए, मेरा कैश बढ़ रहा है और मेरे गुड्स बढ़ रहे हैं, तो गुड्स जब भी बढ़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं, इसे परचेज हो रहा है। ठीक है, और यहाँ बिजनेस कमेंस हो रहा है, मतलब कि कौन ये पैसा दे रहा है, बिजनेसमैन या फिर हमारा ओनर हमें पैसा दे रहा है, दैट मीन्स कैपिटल भी बढ़ रहा है। तो कैपिटल होती है हमारी लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। इसी प्रकार से कैश और परचेज हमारे दोनों असेट हैं, असेट बढ़ते हैं तो डेबिट। ठीक है, तो ये लॉजिक हो गया। फिर हमने क्या करा, कैश डोनेट कर दिया 100 रुपए का और गुड्स डोनेट करे 150 रुपए के। तो इसकी एंट्री हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश टू परचेज। डोनेशन का लॉजिक क्या है, डोनेशन हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, और कैश हमारा असेट था ये कम हो रहा है। इस तरीके से परचेज जो थी हमारे गुड्स वो भी हमारा असेट थे, ये दोनों कम हो रहे हैं तो क्रेडिट। ठीक, अब देख लेते हैं तीसरा क्या था। लिखा है पेड सैलरी रुपीज 400 एंड रेंट 100 इन कैश, मतलब सैलरी हमने पे करी और रेंट पे करा, ये दोनों हमारे खर्चे होते हैं तो ये खर्चे बढ़ रहे हैं, ये दोनों हमारे खर्चे हैं तो एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, और दूसरी ओर इसे पे करने के लिए हम कैश पे कर रहे हैं जो कि हमारा असेट है, असेट कम होता है तो क्रेडिट। ठीक है, ये फटाफट जनरल एंट्रीज हम देख रहे हैं। इसके बाद लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश एंड गोपाल वर्थ रुपीज 300 एंड 800 रिस्पेक्टिवली। हम लोगों ने गोपाल और रमेश से क्या खरीदा, सामान खरीदा, गुड्स खरीदे, तो इसकी कंपाउंड एंट्रीज क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए, परचेज अकाउंट डेबिट क्योंकि ये हमारे गुड्स बढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो ये एसेट बढ़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर रमेश और गोपाल दोनों हमारे क्या बन गए, क्रेडिटर बन गए, मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। ठीक है, और देख लेते हैं। फिर है पेड टू गोपाल एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम ₹50। हमने गोपाल को पैसा पे करा, कितना पे करना था गोपाल को, ₹800 पे करना था, और हमने उसे कितना पे करा होगा भाई, ₹50 का अगर डिस्काउंट मिला है तो ₹750 पे करा होगा, तो इसकी एंट्री क्या होगी ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए इसकी एंट्री क्या है, यहाँ पर इसकी एंट्री है गोपाल अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि हमारी लायबिलिटी कम हो गई, तो लायबिलिटी जब भी कम होती है तो डेबिट, और यहाँ हमने कैश में पेमेंट करी तो हमारा असेट कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट, और यहाँ डिस्काउंट रिसीव हमारी इनकम बन गई, इनकम जब भी बढ़ती है तो क्रेडिट। तो इस तरीके से ये एंट्री हो गई। फिर आखिरी एंट्री थी आपकी कि आपने क्या करा, ड्राइंग करी, कैश विदड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, तो ये आपकी ड्राइंग्स थी। ड्राइंग्स की एंट्री क्या होती है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 150 150। ठीक है, इस तरीके से आपकी ये पूरी एंट्री हो गई। तो ये एंट्री वैसे मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, पीछे आप सारी वीडियो देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक है, आप सीधे हम बढ़ते हैं लेजर की तरफ। ठीक है, और अगर आपको ये डेबिट क्रेडिट असेट बढ़ता है, इनकम बढ़ती है, क्या ही समझ में नहीं आ रहा, तभी कार्ड एक फ्लैश हो रहा होगा, उसमें मेरा पूरा कंसेप्ट बताया हुआ है, लर्न जनरल एंट्रीज इन 5 मिनट्स, वहां जाकर भी आप इसे देख सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसकी लेजर किस प्रकार से होगी। तो दोस्तों, यहां पर हम लोग ने जितनी भी एंट्रीज करी उसकी मैंने सारे अकाउंट्स की एक लिस्ट बना ली, कितने अकाउंट्स बन सकते हैं। तो सबसे पहला एक अकाउंट मैंने कहा कैश अकाउंट, फिर परचेस अकाउंट, फिर कैपिटल, चौथा डोनेशन, पांचवा रेंट, सिक्स्थ सैलरी, सातवा रमेश, आठवा गोपाल का, नाइन्थ डिस्काउंट का, और टेंथ आपकी ड्राइंग्स का। तो यहाँ कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 10 अकाउंट्स बन रहे हैं। आप एक बार फिर से वीडियो को पीछे करिए, सारी
एंट्रीज देखी है वहां, इसके अलावा आपको कोई भी अकाउंट देखने को नहीं मिलेगा। तो आइए अब एक एक करके इनकी हम लेजर में पोस्टिंग कर देते हैं किस प्रकार से पोस्टिंग होगी। तो शुरू करते हैं पहली एंट्री से, तो दोस्तों यहां पर देखिए पहली एंट्री में दिखते बता देता हूं आपको। यहां पर पहली एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट परचेस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो यहां पर मैं यहां पे एक कैश का अकाउंट बना लेता हूं लेजर में, इस बार मैं लेजर बना रहा हूं, ठीक है। ठीक है, ये साइड डेबिट है आपका, ये साइड आपका क्रेडिट है, ठीक है। तो यहां पर कैश क्या हो रहा है, कैश हो रहा है डेबिट, किसकी वजह से, कैपिटल की वजह से। और तारीख यहां पर मैं सिर्फ 2 डाल दूंगा तो आप समझ जाना कि 2 अप्रैल है, ठीक। तो यहां पर होगा टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए से, तो पैसे थे आपके 5000 रुपीज, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं 5000, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दूसरा अकाउंट इसका कौन सा है, परचेज अकाउंट है। तो आइए नीचे परचेज अकाउंट और बना लेते हैं। अब हाँ, मैं फॉर्मेट यहाँ पर पूरा नहीं बना रहा हूँ लेजर का, तो फॉर्मेट के लिए मैंने इसके पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने पूरा प्रॉपर फॉर्मेट से बनाया हुआ है। अब यहाँ फॉर्मेट बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो वो भी एक कार्ड फ्लैश हो रहा होगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है ही। तो देखिए परचेज, तो यहाँ परचेज भी क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, कैपिटल की वजह से। तो सेम 2 तारीख को टू कैपिटल अकाउंट कितने रुपए से, तो यहां पर इस बार है 2000 रुपीज, तो यहां पर ये 2000 से हम एंट्री कर देंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया इसका। अब कैपिटल अकाउंट और देख लेते हैं, तो यहां पर मैं बना देता हूं, या फिर यहां पर बना लेते हैं हम कैपिटल, ये मेरा कैपिटल अकाउंट बन गया, ठीक है। यहां पर मैं इसे लाइन खींच देता हूं लेजर के लिए, ये डेबिट ये क्रेडिट। तो कैपिटल मेरा क्या हो रहा है, कैपिटल हो रहा है मेरा क्रेडिट, किसकी वजह से, एक बार कैश की वजह से और एक बार परचेस की वजह से। तो यहां पर हम लिख देंगे भाई तारीख तो 2 ही है, ठीक है, ये 2 तारीख बाय कैश अकाउंट, और वापस उसी 2 तारीख को बाय परचेस अकाउंट, ठीक है। कैश हमारा था 5000 और परचेस हमारी थी 2000। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं 4 अप्रैल की एंट्री। 4 अप्रैल को क्या क्या चीज बनी, डोनेशन हुआ, कैश और परचेज। तो कैश और परचेज के तो ऑलरेडी अकाउंट बने हुए हैं, सिर्फ डोनेशन का अकाउंट बना लेते हैं यहां पर। तो यहां डोनेशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट, तो डोनेशन यहाँ क्या हो रहा है, डेबिट, किसकी वजह से, एक बार कैश की वजह से और एक बार परचेज की वजह से। तो यहां पर 4 तारीख टू कैश अकाउंट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। अमाउंट देख लेते हैं, अमाउंट कितना है यहां पर, तो 100 और 150, तो ये 100 और ये 150। अब सेम कैश के लिए भी देख लेते हैं भाई, कैश और परचेज भी जो है वो भी तो क्रेडिट हो रहे हैं, किसकी वजह से, डोनेशन की वजह से। तो यहां पर कैश देख लेते हैं, 4 तारीख को कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, डोनेशन की वजह से। तो यहां 4 तारीख को मैं कैश को कर दे रहा हूं क्रेडिट, लिख देता हूं बाय डोनेशन अकाउंट, ठीक है। तो डोनेशन की वजह से कितना हो रहा है, तो सिर्फ कैश हो रहा है 100 रुपीज से, ठीक है। आप पूरा 250 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये 250 अकेला कैश की वजह से नहीं है, ठीक है। ये 250 रुपए के अंदर ये दोनों चीज बटी हुई है, तो सिर्फ पर्टिकुलर कैश कितने से हो रहा है वो आप यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ कैश क्रेडिट हो रहा है कितने रुपए से, सिर्फ 100 रुपए से। इसी तरीके से परचेस लिख देते हैं, तो बाय कैश अकाउंट सॉरी डोनेशन अकाउंट, ठीक है, कितने रुपए से, तो ये परचेज सिर्फ 150 से हो रहा है। तो यहाँ पे 150 लिख देते हैं फटाक से।
ठीक है, तो ये मेरी यहाँ पर 2 तारीख की भी हो गई, 4 तारीख की भी हो गई, 7 तारीख की तरफ बढ़ते हैं। तो 7 तारीख को देखिए क्या क्या है मेरे पास, सैलरी रेंट और कैश। तो सैलरी रेंट का तो बनाना पड़ेगा, कैश अभी हमारे सामने, कैश के लिए कर देते हैं। तो कैश हो रहा है क्रेडिट कितने रुपए से, 500 से, किसके वजह से, सैलरी और रेंट की वजह से। तो यहाँ पर देखिए ये 7 तारीख की एंट्रीज हैं, तो ये बाय बाय एक बार सैलरी की वजह से, बाय सैलरी अकाउंट, बाय रेंट अकाउंट कितने रुपए से, तो सैलरी की वजह से 400, रेंट की वजह से 100 रुपये। तो यहाँ पर 400 और 100 रुपये, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी एंट्री हो गई। अब दूसरा पहलू देख लेते हैं इसका, सैलरी और रेंट का। तो यहाँ पर मैं सैलरी और रेंट का दो अकाउंट बना लेता हूँ, एक है सैलरी का अकाउंट, और यहाँ पर ही आपका रेंट अकाउंट डेबिट क्रेडिट। तो ये दोनों चीज़ हो रही है डेबिट कैश की वजह से। 7 तारीख को 2 कैश अकाउंट, सैलरी हो रही थी आपकी 400 से, और यही 7 तारीख को यहाँ 2 कैश अकाउंट कितने रुपए से, तो रेंट हो रहा था 100 रुपए से, तो ये आपका हो जाएगा 100। तो ये 7 तारीख की भी हमारी एंट्री हो गई है, ऐसे भी टिक कर देते हैं। अब बढ़ते हैं 10 तारीख की एंट्री की तरफ। 10 तारीख को क्या हुआ है देख लेते हैं। देखिए 10 तारीख को हमने परचेज किया रमेश से और गोपाल से, तो परचेज का अकाउंट तो ऑलरेडी बना हुआ है, हम उस पर जाकर एंट्री बाद में कर देंगे। यहाँ पर पहले हम रमेश और गोपाल का अकाउंट बना के यहाँ पर एंट्री कर देते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, मैं रमेश का अकाउंट बना देता हूँ। ये रमेश का अकाउंट, ठीक है, वही दोस्त ने बांट लिया डेबिट और क्रेडिट। तो रमेश यहां पर हो रहा है क्रेडिट किसकी वजह से, परचेज की वजह से। तो यहां पर लिख देंगे बाय परचेज अकाउंट कितने रुपए से, 300 रुपीज से, तो यहां पर जाएगा 300, ठीक है। इसके बाद देखते हैं गोपाल, गोपाल का अकाउंट बना लेते हैं यहां पर। डेबिट क्रेडिट, गोपाल भी क्रेडिट हो रहा था, ठीक है, 10 तारीख को बाय परचेज अकाउंट कितने रुपए से, तो यहां पर हमारे थे टोटल 800 रुपीज, ठीक है। तो और जाके अब परचेज में भी एंट्री कर देते हैं। तो यहां पर हमारा परचेज अकाउंट ये था, तो यहां परचेज क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था कितने रुपए से, 1100 रुपए से, 10 तारीख को। तो ये 10 तारीख, ये 10 तारीख, 2 2 यहाँ रमेश की वजह से और गोपाल की वजह से, एक बार 300 एक बार 800, तो 300 और 800 से, ठीक है। तो ये हमारी 10 तारीख की भी एंट्री हो गई। अब देखते हैं आगे कौन सी एंट्री करनी है हम लोगों को। तो अगली एंट्री है 15 अप्रैल की, जब हमने क्या करा था, गोपाल को पैसे पे कर दिए थे। तो यहाँ पर गोपाल देखिए क्या हो रहा था, गोपाल यहाँ पर कम हो रहा था, ठीक है, डेबिट हो रहा था। तो यहाँ पर हम गोपाल को डेबिट कर देंगे कितने रुपए से, 800 रुपीज से पूरा पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर गोपाल किस वजह से हो रहा था, एक तो कैश की वजह से और एक डिस्काउंट रिसीव की वजह से। तो यहाँ पर देख लेते हैं, हम कर देते हैं 15 तारीख को 2 एंट्रीज होंगी, 1 2 कैश, 2 डिस्काउंट रिसीव, ठीक है, कैश की वजह से 750 और डिस्काउंट रिसीव की वजह से 50, ठीक है। तो कैश का तो ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ था, तो पीछे जाके भी हम कर देंगे एंट्री। यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव किया, मैं अकाउंट और बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा अकाउंट बन जाएगा डिस्काउंट रिसीव का, वापस इसको एक लाइन खींची, डेबिट क्रेडिट। तो यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव जो है, डिस्काउंट रिसीव मेरा क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, गोपाल की वजह से। तो यहाँ पर मैं कर दूंगा 15 तारीख की एंट्री है बाय गोपाल कितने रुपए से, 50 रुपए से, ठीक है। तो ये एंट्री मेरी हो गई। जाके आप पीछे कैश की एंट्री और कर देते हैं।
यहाँ पर मेरा कैश अकाउंट ये था, ठीक है। कैश क्या हो रहा था मेरा, क्रेडिट कितने रुपए से, 750 से, किसके वजह से, गोपाल की वजह से। तो यहाँ पर 15 तारीख को एंट्री कर देते हैं, तो बाय गोपाल अकाउंट कितने रुपए से, सॉरी यहाँ पर 750 से, ठीक है 750, ठीक है दोस्तों ये 750 है। आगे देखते हैं, तो ये पूरी 15 अप्रैल की भी एंट्री हो गई, 20 अप्रैल को बस आखिरी एंट्री और बची, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर ड्राइंग हो रहा है डेबिट और कैश हो रहा है क्रेडिट। तो यहाँ 20 तारीख को कैश क्रेडिट हो रहा था ड्राइंग्स की वजह से, कितने रुपए से, 150 रुपीज से। तो ये हो जाएगा 150, और ड्राइंग्स का हमको अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं ड्राइंग्स का अकाउंट बना लेता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है। तो ड्राइंग्स क्या हो रहा था, ड्राइंग्स मेरा हो रहा था डेबिट। तो ये देखिए ड्राइंग्स हो रहा था डेबिट, किसके वजह से, कैश की वजह से, 150 से। तो यहाँ पर 20 तारीख को बाय कैश अकाउंट 150। तो हमने अब क्या करा है, सारी पोस्टिंग तो कर ली है, अब आगे बढ़ते हैं इसको बैलेंसिंग कर, बैलेंसिंग की तरफ। तो यहाँ पर इसको बैलेंस करते हैं, आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर बैलेंसिंग कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ का टोटल है 5000, और यहाँ का जब आप टोटल करेंगे तो वो आएगा 1500, 1500 रुपये, ठीक है। तो 5000 में से जैसे ही हम 1500 माइनस करेंगे तो बचेगा 3500। तो यहाँ पर मान के चलिए हम 30 अप्रैल को ही कर रहे हैं, तो यहाँ पर बाय बैलेंस कैरेट डाउन आ जाएगा 3500 का, ठीक है। और दोनों साइड टोटल कितना रहेगा, 5000 5000, और 1 मई को ओपनिंग एंट्री होगी इसकी, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 3500 से, ठीक है। यही का यही अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा कैश का पूरा काम हो गया। अब बात कर लेते हैं परचेस की। तो ये परचेस में लगा देता हूँ स्टार। अब परचेस में स्टार क्यों लगाए देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर दोस्तों पहले टोटल कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर 2800 300, ये टोटल आपका हो जाएगा 3100, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ भी 3100 जाएगा, तो 31 से 150 जाएगा, ये 30 तारीख की बात है। तो बाय, अब यहाँ पर मैं खाली छोड़ रहा हूँ फिलहाल 2950, ठीक। तो दोस्तों अब यहाँ पर क्या आएगा इस पर हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहीं पे मेरी मेन बात है कि ट्रांसफर का जो कंसेप्ट है यहीं से समझ आएगा हमें। तो यहाँ पर दोस्तों आएगा बाय ट्रांसफर अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रांसफर अकाउंट क्यों आया, ठीक। तो दोस्तों होता क्या है कि जो भी असेट और लाइबिलिटी होती है, आपको पता है कि कुल मिलाकर 5 प्रकार के अकाउंट होते हैं, असेट असेट एक्सपेंस लाइबिलिटी कैपिटल और इनकम रेवेन्यू गेन, ठीक है, एक्सपेंस और लॉस। ये तो दोस्तों यहाँ पर जो असेट और लाइबिलिटी कैपिटल है, ये जैसा कि आपको पता है ये दोनों चीज़ कहाँ जाती है, बैलेंस शीट पर जाती हैं, और बची हुई ये दोनों चीज़ें कहाँ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहाँ पर ये दोनों इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं क्योंकि ये एक साल के अंदर अंदर खत्म हो जाते हैं, बट असेट और इनकम रेवेन्यू और असेट लाइबिलिटी और कैपिटल ये एक साल के अंदर अंदर खत्म नहीं होते, ये अगले साल भी कैरी फॉरवर्ड होते हैं, इसलिए बैलेंस शीट पर चले जाते हैं। तो अब हो क्या रहा है, ये परचेज जो होते हैं ये इन सब के एक्सपेंस और इनकम रेवेन्यू गेन के अंदर ही आते हैं, ठीक है। परचेज जो होता है हमारा एक्सपेंस होता है, तो अब वही परचेज ये अगले साल तो चलना नहीं है, तो अगले साल वो चलना नहीं है, तो उसका बैलेंस हम कैसे बचा के रख सकते हैं, क्योंकि बैलेंस बचा के रखने का मतलब ये है कि वो अगले साल फिर यूज होंगे, लेकिन ऐसा तो होना नहीं है। वो क्या होता है, इसी साल खत्म हो जाता है, तो इनका बैलेंस जो है वो हम ट्रांसफर कर देते हैं। क्लियर, जो बचा हुआ बैलेंस है वो कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, हम ट्रेडिंग अकाउंट में हम इसे ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। ज्यादा क्लियर डीप में हम जब ये चैप्टर डिस्कस करेंगे तब हम देख लेंगे, ठीक है। अभी हाल फिलहाल ये समझिए कि इसका जो भी बचा कुचा बैलेंस है वो हम
ट्रेडिंग या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पर ट्रांसफर की एंट्री कर सकते हैं। आप इसकी जगह बाय ट्रेडिंग अकाउंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका बचा कोचा जो बैलेंस है वो कैरेट डाउन ना आके वो बच ना बच के कहाँ जा रहा है, वो ट्रांसफर हो जा रहा है। कहाँ ट्रांसफर हो जा रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जा रहा है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि हमने ऐसा क्यों करा, क्योंकि ये आगे तक चलने वाला ही नहीं है। ये एक्सपेंस लॉस और इनकम रेवेन्यू गेन की कैटेगरी में आता है ना। तो जो भी चीज इनकी कैटेगरी में आती है वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं होती, तो इसी साल उसका पैसा बचा हुआ कुछ ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब इसका एंट्री और देख लेते हैं। तो यहाँ पर तो सिंपल है, या फिर कैपिटल को भी रुकते हैं, कैपिटल थोड़ी देर से आपको बताता हूँ। डोनेशन देख लेते हैं, डोनेशन 30 तारीख को देख लेते। तो यहाँ पर टोटल हो रहा है 250 और यहाँ जाएगा बाय ट्रांसफर, ठीक है, कितने रुपए, वही 250 पूरा, ठीक है दोस्तों। तो ये एंट्री मैंने कुछ पहले से कर दी है, ठीक है। जैसे सैलरी थी वापस वही सैलरी जो है हमारा एक्सपेंस होता है तो बाय ट्रांसफर 400 हो जाएगा। रेंट भी हमारा एक्सपेंस होता है तो बाय ट्रांसफर 100 रुपीज हो जाएगा। अब रमेश जो थे वो हमारे क्रेडिटर थे, तो क्रेडिटर को जब मैंने देखे यहाँ पर क्या लिखा है, टू बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि इनका जो बैलेंस है वो आगे जाके ट्रांसफर होगा, इसलिए टू बैलेंस यहाँ पर कैरी डाउन लिखा गया है, ठीक, क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी थे, ठीक। बात कर लेते हैं गोपाल का, तो गोपाल का दोनों जगह ऑलरेडी बैलेंस हो गया तो कोई टेंशन ही नहीं बचा, इसका अकाउंट तो यहीं क्लोज हो गया। बात करते हैं डिस्काउंट रिसीव की, डिस्काउंट रिसीव भी मेरा क्या हो गया, मेरा एक्सपेंस होता है तो यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव मेरी इनकम होती है, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव इनकम। तो यहाँ पर क्या होगा, टू ट्रांसफर 50 रुपये, यहाँ मैंने ट्रांसफर कर दिए 50 रुपये। फिर अब बात कर लेते हैं ड्राइंग्स की, तो ड्राइंग्स की देखो क्या होगा दोस्तों, ड्राइंग्स जो है वो लास्ट में जाकर कैपिटल से सेट ऑफ होता है, तो इसका जो बैलेंस होता है वो टू कैपिटल अकाउंट, वो कैपिटल अकाउंट में जाकर खत्म होता है, ठीक है। यहाँ पर 150, इसलिए मैंने वहाँ पर कैपिटल की एंट्री नहीं करी थी। ध्यान रखिएगा ड्राइंग्स जो है इसका बैलेंस कैपिटल में चला जाता है, ड्राइंग्स का बैलेंस कैपिटल में जाता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कैपिटल की एंट्री, अब तो देखिए दोस्तों कैपिटल की एंट्री इस समय यहाँ पर क्या हुई होगी, जब ड्राइंग्स यहाँ पर करा होगा तो यहाँ जब मैंने ड्राइंग्स को ट्रांसफर किया था कैपिटल में उसका बैलेंस, तो वहाँ पर एंट्री क्या होती थी देख लेते हैं। तो उसमें एंट्री हुई होगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों, क्योंकि मेरी लाइबिलिटी जो है वो कम हो रही है, लाइबिलिटी जब कम होती है तो डेबिट, ठीक है। तो ये उस समय एंट्री हुई होगी जब मैंने पैसा ट्रांसफर किया होगा, तो यहाँ पर कैपिटल क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो यहाँ पर 30 तारीख को हम कैपिटल लिख देते हैं टू ड्राइंग्स, ठीक है, कितने रुपए से, 150 रुपीज से। तो ये मेरी पोस्टिंग भी हो गई इसकी। अब इसका बैलेंसिंग कर लेते हैं, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये 7000 यहाँ पर आएगा और यहाँ पर मेरा बैलेंस बच जाएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन, कितने रुपए, 7000 में से 150 घटा देंगे तो 6850 ये मेरा बैलेंस बच जाएगा, जो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो आप आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, कैपिटल मेरी लाइबिलिटी थी इसलिए किसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा, सेम उसी तरीके से जैसे कि यहाँ पर मेरा रमेश का अकाउंट कैरी फॉरवर्ड हो रहा था, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा हमारे चैनल को, और अभी आपके सामने तो और भी वीडियोस आ रही है, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं, और बीच में दिकेशाला का लोगो आ रहा होगा, आप उसे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रख सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।